हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे मैंने बिहार स्पेशल शुरू किया है। बिहार स्पेशल में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा है। और आज मैं बिहार स्पेशल में जो टॉपिक लेकर आई हूँ, वो बिहार के प्रमुख खनिज एवं उसके प्राप्ति के स्थान यानी कि मेजर मिनरल्स ऑफ बिहार के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे कि बिहार के समान ज्ञान के अंतर्गत बिहार में जो खनिज संसाधन है और उसके स्थान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। बिहार में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा में बिहार के प्रमुख खनिज तथा उसके प्राप्ति स्थान के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान रखते हुए हमने बिहार स्पेशल में आज मैं बिहार के प्रमुख खनिज एवं उसके प्राप्ति के स्थान के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दूंगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक से शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं खुद एक बीपीएससी की स्टूडेंट हूँ। ये मेरा बनाया हुआ खुद का नोट्स है। अगर इसमें कहीं भी कुछ भी खामियां रह गई होगी तो आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं भी अपने नोट्स को अपडेट कर लूँगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं बिहार के प्रमुख खनिज एवं उसके प्राप्ति स्थान के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये कि खनिज जब भी पाए जाएंगे तो हमेशा या तो पठारी या फिर पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाएंगे। फ्रेंड, जब झारखंड बिहार के साथ जुड़ा हुआ था तो उस समय बिहार में खनिज के संसाधन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड के विभाजन के बाद लगभग 97% खनिज संसाधन झारखंड के क्षेत्र में चला गया और 3 से 4% खनिज संसाधन बिहार में शेष बच गए। और जो शेष बचे हुए खनिज रह गए बिहार में, वह मूल रूप से झारखंड से सटे हुए जिलों में, उन जिलों में पाए जाते हैं जो झारखंड से सटे हुए जिले हैं। और यही कारण ये जो खनिज पाए जाते हैं, इसका एक मुख्य कारण ये है कि ये इन क्षेत्रों में छोटा नागपुर का अंश पाया जाता है जहाँ खनिज की प्राप्ति होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं बिहार के प्रमुख खनिज एवं प्राप्ति के स्थान। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिखा है खनिज पदार्थ का नाम यानी मेजर मिनरल्स नेम, और उसके बाद देखिए प्राप्ति के स्थान यानी कि किस स्थान पर पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 38 जिला है, उन 38ों जिला में कौन कौन जिले में कौन कौन खनिज पाए जाते हैं, इसको इसकी जानकारी आपको मैं अभी दूंगी फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले देखिए मैग्नीज, पहला आया जो खनिज पदार्थ था या मिनरल्स आया वो है मैग्नीज। मैग्नीज बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? तो देखिए मुंगेर एवं गया जिले में मिलते हैं। दूसरा देखिए टीन, टीन गया बिहार के गया और देवराज जिले में प्राप्ति यानी देवराज और गया जिले में ये मिनरल्स, तीन मिनरल्स पाया जाता है। अब थर्ड देखिए बॉक्साइट, बॉक्साइट देखिए मुंगेर व रोहतास जिले में पाए जाते हैं। अवरक गया नवादा मुंगेर भागलपुर में पाए जाते हैं। फिर देखिए चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी अवरक में देख लीजिए गया नवादा मुंगेर भागलपुर महेश्वरी चकाई और नावडिया है। फिर उसके बाद देखिए फिफ्थ में चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी भागलपुर मुंगेर जिले में पाए जाते हैं। फिर सिक्स में देखिए डोलामाइट जो खनिज है बिहार का, वो रोहतास के बंजारी जिले में पाए जाते हैं। रोहतास में तो पाए जाते ही, रोहतास जिले में पाए जाते, लेकिन रोहतास में बंजारी नाम का एक इलाका है, उसमें ये पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आगे देखिए लिथियम, लिथियम ये गया जिला में पाए जाते हैं। फिर देखिए चूना पत्थर, चूना पत्थर रोहतासगढ़ चूना हंटन रामडिहरा डुमखारा और बगैलिया में पाया जाता है। फिर देखिए उत्तम किस्म का चूना पत्थर, एक तो आपने देखा चूना पत्थर, लेकिन उत्तम किस्म का यानी बेस्ट क्वालिटी का जो चूना पत्थर है वो रोहतास कैमूर के पठार में पाया जाता है। फिर देखिए टेंथ में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में देखिए रक्सौल व किशनगंज के क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि बिहार के जो जिले हैं रक्सौल और किशनगंज में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। आगे देखिए पायराइट्स, पायराइट्स रोहतास के सोन नदी के घाटी में मिलती है और बंजारी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी जो रोहतास में तो पाया ही जाता है लेकिन रोहतास में सोन नदी है, सोन नदी की घाटी में मिलती है और बंजारी क्षेत्र में भी पाया जाता है। सोन नदी घाटी में मिलती है और बंजारी के क्षेत्र में मिलती है। बंजारी या मैंने आपको बताया था रोहतास की बंजारी थी, यानी कि रोहतास में बंजारी और सोन नदी घाटी में पाई जाती है।
अब देखिए सोना, सोना मुंगेर ज़िले में पाया जाता है, क्वार्टज, क्वार्टज जो है मुंगेर ज़िले में पाया जाता है। फिर उसी तरीके से देखिए गंधक, गंधक रोहतास के अमझौर में पाया जाता है, रोहतास जिला उसके ज़िले के अंदर कोई स्थान है उसका नाम है अमझौर, अमझौर ज़िले में पाया जाता है गंधक। अब देखिए सोरा और रे, सोरा रे सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, गया और मुंगेर ज़िले में पाया जाता है सोरा से। अब देखिए आगे मैंने यहाँ 15 तक कंप्लीट किया, अब देखिए 16 से देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए कोयला, कोयला जो है औरंगाबाद ज़िले में पाया जाता है। फिर देखिए यूरेनियम, यूरेनियम गया के ज़िले में पाया जाता है, यानी बिहार में जो 38 ज़िले हैं उसमें से एक ज़िला है गया, उस ज़िले में पाया जाता है। अब देखिए सोडियम लवण, सोडियम लवण मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण। देखिए सोडियम लवण मुजफ्फरपुर सारण में तो है, लेकिन उसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी यानी चंपारण के पूर्वी भाग में भी और पश्चिमी भाग में भी पाए जाते हैं सोडियम लवण। फिर देखिए एस्बेस्टम, एस्बेस्टम मुंगेर के ज़िले में पाया जाता है। उसी तरह से देखिए बेरिनियम 20 में देखिए बेरिनियम, बेरिनियम जो है गया नवादा के ज़िले में पाया जाता है। अब फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी मैं किसी चीज़ के बारे में बताती हूँ, कोई भी पॉइंट्स के बताती हूँ, तो उसके फैक्ट्स को मैं लिखती हूँ नोट के साथ, तो मैंने आज भी उसको नोट में करके लिखा है। तो देखिए सबसे पहले जो नोट है मेरा वो देखिए, खगड़पुर की पहाड़ी में जमालपुर में धरधरा एवं कजरा के काले रंग की उच्च कोटि का स्लेट मिलता है। काले रंग की उच्च कोटि के स्लेट खगड़पुर की पहाड़ी जमालपुर के धरधरा एवं कजरा में मिलता है। उसी तरीके से दूसरा नोट देखिए, सोरा उत्तरी बिहार के मैदान भागों में मिलती है और इसका उपयोग उर्वरक, कांच और बारूद बनाने में किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सोरा कहाँ मिलता है, तो सोरा का मैंने बताया आपको कि सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, गया और मुंगेर में भी मिलते हैं। तो सोरा, सोरा से जो मैंने नोट्स लिखा है, देखिए सोरा उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र भागों में मिलता है और इसका उपयोग यानी जो सोरा का उपयोग है वो कांच बारूद बनाने में किया जाता है और उर्वरक के क्षेत्र में भी किया जाता है। थर्ड नोट्स देखिए सोना, सोना एक बहुमूल्य धातु है जो बिहार की फल्गु नदी, नदी में घाटी में मिलता है तथा जमुई के जिला सोना प्रखंड में करमटिया गाँव में सोना मिलता है। सोना देखिए, सोना जो फल्गु नदी, बिहार के फल्गु नदी में घाटी में मिलता है, उसके अलावा जमुई जिला में मिलता है। उसके अलावा जमुई जिला में कहाँ, तो सोनो प्रखंड के नाम से एक गांव है जिसमें करमठिया गांव है, वहाँ सोना की प्राप्ति होती है। अब देखिए थर्ड पॉइंट्स देखिए, बिहार के मुख्य रूप से जो ज़िले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा खनिज की प्राप्ति होती है वो ज़िले, जैसा कि मैं आपको बताया कि ये जो जितने भी ज़िले के नाम मैंने नाम बताया, 38 ज़िलों में से कौन कौन ज़िलों में पाए जाते हैं खनिज पदार्थ, बिहार के मेजर मिनरल्स, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से हैं, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, जहाँ सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगर आपको याद रखना है खनिज पदार्थ पे बिहार से लेके बिहार के रिलेटेड में, तो सबसे ज़्यादा उस स्थान पे आप उस स्थान का नाम याद करिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा खनिज मुक्त कहाँ पाए जाते हैं, तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। और देखिए एक पॉइंट और जो है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखिए जो खनिज मिलते हैं वो बिहार के दक्षिणवर्ती जिलों में मिलते हैं जिसका संपर्क झारखंड के साथ होता है। दक्षिणवर्ती यानी कि जब मैंने आपको बताया कि दक्षिणवर्ती में, जैसे कि आप जानते हैं कि जब बिहार का मैप आप देखोगे तो नीचे की ओर जो आएगा वो दक्षिणवर्ती होता है। दक्षिणवर्ती में जिसमें कौन कौन से ज़िले रहते हैं, तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, मुंगेर जिला सबसे ज़्यादा में होता है। देखिए मैं आपको मैप के साथ दिखा भी देती हूँ। देखिए जैसे मैंने आपको बोला दक्षिण बढ़ती है, तो देखिए जब मैंने आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा खनिज मिलता है कहाँ, तो देखिए जैसे कि झारखंड से सटे हुए जितने भी ज़िले बिहार के हैं उसमें सबसे ज़्यादा खनिज मिलता है। तो मैंने सबसे ज़्यादा जो खनिज का नाम बताया, देखिए कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर ज़िले में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो देखिए जो झारखंड से सटे हुए ज़िले सब दिख रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है और भागलपुर और मुंगेर, यानी कि जो दक्षिणवर्ती क्षेत्र में है उसमें सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। और इसकी वजह ये है कि ये नागपुर के क्षेत्र की पहाड़ी का अंश मिलता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा खनिज की मात्रा इन ज़िलों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि जब भी खनिज मिलेगा तो या तो पठारी या भी पहाड़ी क्षेत्र में ही मिलता है। अब फ्रेंड्स इससे देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा
कि चीनी मिट्टी, बिहार के जो चीनी मिट्टी प्रमुख खनिज है वो बिहार के किस जिले में मिलते हैं। तो अगर आपको पता रहेगा तब आप बता सकेंगे कि भागलपुर मुंगेर के जिले में चीनी मिट्टी प्रमुख खनिज यानी मिनरल्स मिलते हैं। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे कि सबसे ज़्यादा पूछ दिया जाएगा कि 3 से 4 ऐसे जिले का नाम बताएं जो दक्षिण यानी कि झारखंड के दक्षिण से सटे हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा खनिज मिनरल्स मिलते हैं। तो आप बता सकते हैं उसमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, इन सभी में से आप 4 जिले वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा था बिहार स्पेशल में वो था बिहार के प्रमुख खनिज की प्राप्ति और उनके स्थान के बारे में बताना, यानी कि बिहार के मिनरल्स के बारे में बताना। ये 20 जो मिनरल्स के नेम मैंने दिया है आपको हर एग्जामिनेशन में आपका मदद करेगा फ्रेंड। बिहार के जितने भी एग्जाम होंगे उन सब में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा उद्देश्य था बिहार स्पेशल में वो बिहार के प्रमुख खनिज एवं उसके प्राप्ति के स्थान के बारे में बताना। और दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये मेरा खुद का नोट्स है, अगर इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम रह गया होगा तो आप मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए जोश नए टॉपिक के साथ बिहार स्पेशल में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।